जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि एक दिन मैंने इसको अरहर को मतलब चाला था, फिर धोया है, धोने के बाद फिर ऐसे सुखा दिया था, धूप में रखा ही था। तो हमने कहा चलो इसमें जो कंकड़ वगैरह है बिन लेते हैं और फिर इसको मुझे चक्की में देना है दरने के लिए। तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ी देर मैंने आराम किया, आप लोगों से बात भी किया था, तो हमने कहा चलो इसको बिन लेते हैं, रखा हुआ है, आज कल हो रहा है, तो मैंने कहा चलो इसको बिन ले। अब बिनने के बाद मैं इनको दे दूँगी तो ये चक्की में जो है दरवा देंगे और उसके बाद फिर मैं अपना खल में छांट लूँगी, क्योंकि जहाँ अगर पानी और आंधी का मौसम आया ना तो अभी जो ये सूखा है ना ये सारा कुछ मतलब गीला हो जाएगा। तो बस मैं आ गई हूँ ये बाहर वाले रूम में और सच में अभी एसी से निकल के बाहर आई हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। फिर लेटे लेटे ना कितना लेटे आराम करे जी भी उठ जाता है, तो मैंने कहा चलो मैं अपना काम ही करती हूँ, बैठी हूँ तो इसको ही निपटा देती हूँ जो है। और मैं आप लोगों को सूट दिखाने के लिए बोल रही थी तो मैंने कहा पहले चलो इसको काम कर लेती हूँ, मैं शाम को ज़रूर आप लोगों को ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी जो मैं कुर्तियाँ लाई हूँ, सूट लाई हूँ। तो मैंने कहा पहले ये काम कर लेती हूँ जो है, और कोई मिल ही नहीं रहा है। मैं सोच रही थी पहले कोई लेडीज़ मिल जाएगा तो लगवा लेंगे तो कर देंगी, लेकिन कोई नहीं मिल रहा। अच्छा चलो हम बैठेंगे तो करते ही काम नहीं रहेगा। तो चलिए हम बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं इवनिंग में, ठीक है। बस अभी जस्ट मैं गई थी अभी यही मोहल्ले में जो है बहू देखने का बुलावा मतलब दिए थी, तो ही मैं बहू देखने गई थी। और हमारे रिश्तेदार हैं जो है हमारे मतलब ससुर के रिश्तेदारी में जो है लगा करते हैं, तो बस जस्ट मैं वहीं गई थी और साड़ी पहन ली थी, ये देखे गर्मी वाली साड़ी पहन ली थी। तो बस चलते हैं अभी उतार देते हैं, मैंने कहा चलिए आप लोगों को थोड़ा सा अपना लुक दिखा देते हैं ये येलो साड़ी में, और कैसे लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। तो चलती हूँ अभी इसको चेंज करती हूँ, और आज है मेरा व्रत प्रदोष तो मुझे अभी अगरबत्ती जलाना है, दिया बत्ती करना है जो है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे जो है, और अभी मुझे खाना भी बनाना है, जस्ट मैं अभी आ ही रही हूँ जो है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ अपना लुक कैसे लग रहा है मेरी ये साड़ी, ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए कैसी लग रही हूँ, और ये साड़ी ना मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, इतनी मतलब सॉफ्ट है। आप गर्मी में हम इसको कहीं भी पहन के जाएं तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, हमेशा मैं गर्मी में ही अपनी ये साड़ी निकाला करती हूँ। तो चलिए ठीक है चेंज कर लेते हैं, फिर मिलता है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मेरे हस्बैंड सब्जी लाए थे, ये है भिंडी और ये करेला और ये है कच्चा आम जो है, और यहाँ पर ये है लहसुन, तो लहसुन ख़त्म हो गया था और अदरक भी ख़त्म हो गया था, ये बैंगन और एक लौकी लाए थे। तो बस हमने कहा चलिए आपको भी दिखा देते हैं जो है, तो यही सब्जियाँ आज ये शाम को लेकर के आए थे और अक्सर मंडी से है लेकर के आए थे। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो और हम भी अच्छे हैं। तो अभी मैं ये पीने जा रही हूँ अपना शहद और नींबू पानी जो है, और क्योंकि अभी मैंने नहाया है, जैसा कि मैं कल व्रत थी प्रदोष जैसा आप लोग को बताया था हमने, तो बस सुबह सुबह हमने अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाया और वो आज पता है मैं सो गई थी, ये आए तो कहते हैं मुझे खाना नहीं दोगी क्या आज, अरे हमने कहा यार मैं तो सो ही रही हूँ जो है और टीवी चल रही है।
तो फिर हम जल्दी जल्दी उठे, मैंने कहा रुकिए हम आते हैं, फिर हमने कपड़ा बदला और जल्दी जल्दी उठ करके आए। और इन्होंने कहा ये भिंडी, क्योंकि मेरी आदत है ना, मैं जब ये भिंडी लाते हैं ना तो मैं भिंडी रात में ही धो करके जो है रख देती हूँ। तो ये कहे भिंडी धुली रखी है, हमने कहा हाँ भिंडी धुली रखी है, कहे लाओ दो मैं काटता हूँ, तुम दाल चढ़ा दो जो है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर ये भिंडी काटने लगे और मैं जो है एक तरफ दाल को चढ़ा दी और एक तरफ फिर मैंने दलिया को चढ़ा दिया जो है। और दलिया हमारे यहाँ आज ख़त्म था, तो एक मतलब ये लाए थे भागर, वो मतलब बहुत ही मतलब अच्छा है, टेस्टी होता है खाने में, बिल्कुल बनाने में ऐसे लगता है ना जैसे चावल हो, बिल्कुल वाइट वाइट कलर का जो है बहुत ही अच्छा लगा करता है। तो फिर मैंने उसको बनाया, फिर मैं जल्दी से ये अपना एक तरफ भिंडी छौंक दिए, मैं एक तरफ आटा लगा दी और आटा लगा करके हमने कहा चलो आप तब तक भिंडी छौंक दो, आपकी भिंडी पक जाएगी, आप नहाते रहोगे जब तक, तब तक मेरी दाल पक जाएगी, उसके बाद मैं रोटी बना दूँगी। फिर जल्दी से खाना बन गया, ये अपना इनको मैं पैक करके दे दी तो ले गए। और बस जस्ट उसके बाद फिर मैंने अपने इस कमरे में झाड़ू पोछा किया, क्योंकि बाहर मैं रात में ही जब मैं बर्तन धुलती हूँ, किचन साफ करती हूँ, तो बाहर झाड़ू पोछा मैं रात में ही कर देती हूँ, फुर्सत रहता है, और बस अपने रूम का रह जाता है। तो अभी रूम का मैंने झाड़ू पोछा किया जो है, और बस नहाई हूँ, वॉशिंग मशीन में कपड़ा ड्रायल करने के लिए डाली हूँ। और मेरे सास ससुर अभी उठे हैं, तो अभी वो मतलब हमारी सास जी को मंजन वगैरह करा रहे हैं, उसके बाद नाश्ता कराएंगे, फिर वो 10:30 बजे तक उनको हम पक्का खाना देते हैं जो है, क्योंकि वो नाश्ता कर लेते सत्तू वगैरह खा लेते हैं ना तो पेट भर जाता है, फिर 10:30 बजे तक हम देते हैं। तो बस जस्ट अभी हमने सवेरे फिर थायराइड की गोली खाई थी, तो अभी मैंने नींबू और शहद पानी ले लिया, मैं इसको पी लेती हूँ और आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं सूट लाई थी आपको दिखाने के लिए कह रही थी, तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। मैं आप कहोगे कि हमसे बोली और दिखाई नहीं। और हाँ, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रही हूँ कि शॉर्ट वीडियो मैं डालती हूँ, मतलब कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों को इंजॉय के लिए, लेकिन आप लोग लॉन्ग वीडियो देखते ही नहीं हो। प्लीज़ आप लोग लॉन्ग वीडियो भी देखो, उसको में भी जो है व्यूज़ आए, क्योंकि व्यूज़ ना सच में बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है देख करके। एक बार मैं देखे यूट्यूब को छोड़ने के लिए भी कही, क्योंकि लोग मुझे बोलने लगे थे, आप ही में से कुछ लोग बोलने लगे दीदी आपके व्यूज़ बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी मैं लगी हूँ अपना मतलब आपके सपोर्ट को देखते हुए, कि कुछ लोग हैं मेरे भाई बहन जो मुझसे जुड़े हैं, इतना प्रेम देते हैं, इतने अच्छे कमेंट देते हैं कि मुझे तो अब यूट्यूब से हटने का मन ही नहीं करता है। मेरा तो अब ऐसे लगता है कि जैसे कोई तो है हमारे साथ जो है, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, तो इसलिए लगी हूँ। लेकिन क्या है ना, मेरे घर में भी लोग बोलते हैं, बाहर के लोग भी बोलते हैं और आप लोग भी बोलते हो, इतना आप मेहनत करते हो फिर भी व्यूज़ नहीं आते। और आप लोगों को बता दो, हम हाउसवाइफ, मैं क्या हाउसवाइफ, सभी लोग मेहनत करते हैं, और मेरी जीवन तो बहुत ही स्ट्रगल भरा है, आपको मैं बताऊंगी तो आप लोग सुनोगे। आप लोग देखे हो मेरी सास चल फिर बिल्कुल नहीं पाती हैं, बिल्कुल एक जगह बैठी रहती हैं। फिलहाल लैट्रिन बाथरूम तो हमारे ससुर जी और हमारे हस्बैंड जी कराते हैं, उसके बाद नहा लेती हैं, धोती बदलाना, उनके कपड़े धोना, खाना बनाना, टाइम से उन्हें खाना देना, घर का सारा काम देखना, जिम्मेदारी देखना, उसके बावजूद अपना यूट्यूब ये वीडियो बनाना कोई खेल नहीं है, हम बहुत मेहनत करते हैं जो है। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास किसी चीज़ की मतलब वो है, लेकिन हाँ मैं खाली, क्योंकि बच्चे दोनों इस समय बाहर चले गए हैं, हस्बैंड भी है, उनकी भी ड्यूटी, मतलब मेरे हस्बैंड एक सरकारी जॉब करते हैं, टीचर हैं, वो भी बाहर चले जाते हैं, शाम को आते हैं, आप लोग समझ सकते हो कि मैं घर में कितना उबूंगी। और हमारे सास ससुर हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनसे मैं क्या बात करूं, तो इसीलिए जो है मैं YouTube पर आपके साथ रहती हूं, थोड़ी देर बात करती हूं ना, तो मुझे ऐसे लगता है कोई तो है मेरे साथ जो है, मैं अकेलापन मुझे नहीं होता है। और सच में एक दिन मैं 2 दिन वीडियो यदि मिस कर देती हूं, आप नहीं बनाती, आपसे बात नहीं करती ना, तो मुझे अजीब सा लगता है, फिर मुझे भी एक अकेलापन महसूस होता है, कि जैसे आज मैं बहुत ज़्यादा ऊब रही हूँ इस तरीके से लगता है, इसीलिए मैं यूट्यूब पर इस
प्लेटफॉर्म पर आई हूँ अपनी पहचान बनाने के लिए। मैं कभी फुर्सत से आपको अपने लाइफ के बारे में ज़रूर बताऊंगी, जो है कि मेरे बहुत ही बड़े बड़े सपने थे, बहुत ही, और मैं पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरी जल्दी शादी हो गई, बच्चे हो गए, जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर हो गई, बढ़ गई, जिससे मैं कुछ अपनी पहचान नहीं बना पाई। मैंने सोचा, यूट्यूब में बता भी चुकी हूँ कि मैं एक लोगों से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हुई थी, बहुत ज़्यादा उत्साहित, मतलब उनसे इम्प्रेस हुई थी, तो मुझे लगा कि मैं भी तो घर के सारे काम करती हूँ, तो मैं भी क्यों ना यूट्यूब पर आऊँ। तो बस मैंने उनके वीडियो में देखती रहती थी, ऐसा होता था एक दिन भी वीडियो मैं उनकी मिस नहीं करती थी, ना देखूँ तो मुझे लगता था कि अरे मुझे नींद नहीं आएगी। और वो हैं देहरादून की ब्लॉगर रश्मि शर्मा, तो उनको दिल से नमस्ते। और वो मुझे मतलब बहुत ही अच्छी लगती है, अपनी सिंपल सादगी भरा जीवन दिखाती हैं, मुझे बहुत ही अच्छी लगा करती हैं। उन्हीं से इम्प्रेस होके मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाई और आपके साथ जुड़ गई। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी एक कोई पहचान मिले यूट्यूब पर, कहीं ना कहीं मेरे को एक खुशी मिले कि जो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाई, तो आपसे जुड़ करके आप सपोर्ट करोगे तो शायद हो सकता है कि मैं, मेरी भी कोई पहचान बने इसमें। क्योंकि मैं जब पढ़ती थी ना, तो मेरा ख्वाब कुछ दूसरा था। मैं एक मतलब म्यूज़िक टीचर बनना चाहती थी, और पापा मेरे मुझे वकील बनाना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाया। शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर की जिम्मेदारियाँ हो गई, आगे नहीं बढ़ पाई जो है। पर कोई नहीं, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, इतने मेरे मतलब प्यारे प्यारे मुझे बच्चे दिए, और मुझे कभी ये फील ही नहीं होता कि मैं आगे ज़िंदगी में नहीं बन पाई। बस यही है, आप लोग का आशीर्वाद रहे, जो हम नहीं कर पाए वो मेरे दोनों बच्चे कर लें, बस मेरी यही भगवान से प्रे है। और आप लोग भी आशीर्वाद देना मेरे बच्चों को कि वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाए। और बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे भी यूट्यूब पर कोई पहचान मिले, लोग मुझे जाने, ये जीवन रहे न रहे लोग जाने तो कि कोई तो थी यूट्यूब पर सीमा मौर्य। बस मैं यही चाहती हूँ, इसीलिए चाहती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करो, जिससे मतलब व्यूज़ अच्छे आए। फुल वॉच करो, फुल वीडियो देखो, सच में व्यूज़ में बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे, क्या तुम दिन भर में लगी हो, व्यूज़ तुम्हारे कुछ अच्छे नहीं है। हमने कहा यार क्या करूँ, नहीं आ रहे, मैं तो अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ, या जो कुछ गलतियाँ हो, कुछ हो, आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में कहाँ क्या गलत है हो रहा है, कैसे क्या मतलब करना चाहिए। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैं गलती कहाँ कर रही हूँ, मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ, ईमानदारी से अपनी वीडियो डाल रही हूँ। आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सी यूट्यूबर रेगुलर नहीं डालती, पर मेरी रेगुलर वीडियो जाती, भले थोड़ा टाइम लेट हो जाए पर मेरा रेगुलर वीडियो जाता है। तो आप सब से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि आप लोग देखो वीडियो को, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जो है फुल वॉच करो, और नहीं तो फिर ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा मेहनत करने में, है ना। तो चलिए ठीक है, हम पीते हैं अपनी ये ड्रिंक, नहीं ठंडी हो जाएगी। और आपको अपना सूट भी दिखाती हूँ, चलिए हम निकाल लेते हैं क्योंकि मैंने अलमारी में रख दिया है। दिखाती आज ये देखिए करेला बना रहे हैं, ये देखिए ये बहुत ही परफेक्ट करेला बनाते हैं। तो आज कहे मैं किचन में घुसूंगा, तो मैंने कहा चलिए ठीक है घुस के आप ही बनाइए, तो ये करेला बना रहे। और सच में करेला और भिंडी ये बहुत अच्छा बनाते हैं, खाना बना लेते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ में कॉलेज जब पढ़ते थे तो बाहर ही रहते थे, इसलिए ये खाना सारा कुछ बना लेते हैं। मैं तो टेम्परेरी हूँ, घर नहीं तो खाना बनाने में ये माहिर है, अच्छा खाना बना लेते हैं मुझसे ज़्यादा। ये देखिए ये करेला बना रहे हैं भुंजिया, और इन्होंने रोटी उटी बनाना इन्होंने ही सिखाया है, मुझे तो मायके में कुछ भी नहीं आता था खाना बनाना, आधा खाना माँ सिखाई है आधा खाना इन्होंने सिखाया है, आधा माँ का रोल ये अदा करे। ये देखिए करेला बना रहे हैं भुंजिया, चलिए ठीक है बना लें, क्योंकि इनको जाना है, जो है इनकी ड्यूटी लगी है, तो अभी खा के ये खाना बाहर जाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।